छत्तीसगड इथल्या नक्षली भागातील स्पेशल टास्क फोर्सचे जवान मनोज प्रसाद यांनी मल्लखांब शिकण्यासाठी 300 किलोमीटर बाईकनं प्रवास केलाय. मनोजचे मुंबईमध्ये 10 दिवस मल्लखांब प्रशिक्षण होतं. या प्रशिक्षणाला येण्यासाठी मनोज छत्तीसगडहून 300 किलोमीटर बाईकनं प्रवास करत रायपूर गाठलं, तर मल्लखांब शिकून भारताला ऑलिम्पिकमध्ये मेडल जिंकून देण्याचा त्याचा विश्वास आहे. स्पेशल टास्क फोर्सचे जवान मनोज प्रसादशी बातचीत केली आपले प्रतिनिधी सीमा दाते यांनी. मल्लखांबच्या प्रेमापोटी स्पेशल टास्क फोर्सचा जवान छत्तीसगडहून 300 किलोमीटर बाईकने प्रवास करत आणि त्यानंतर मुंबईला अगदी कठीण परिस्थितीचा सामना करत आलाय. आपल्यासोबत तो स्वतः आहे, त्याच्याशी आपण बोलूयात की कशा पद्धतीनं अडचणीचा सामना करत तो मुंबईपर्यंत पोहोचलाय. क्या कहोगे आप जब निकले थे छत्तीसगढ से तो लेट हो चुका था, लेकिन किस तरह रायपुर तक आए थे? जी आने में तो लेट हो गया था क्योंकि मेरी ड्यूटी बढ़ गई थी. आना था मेरे को 15 to 11 में, मगर मैं 15 की जगह 16 को वहाँ से निकला था. तो वहाँ पे थोड़ी परिस्थिति खराब होने की वजह से और संडे होने के कारण वहाँ पे कोई गाड़ी साधन नहीं था. तो मैंने बोला सर मेरे को छोड़ो आप, मैं जाऊँगा ऐसे करके, क्योंकि मुझे मलखम्ब करना था. मलखम्ब के लिए मेरा नींद उड़ गया था, चैन उड़ गया था कि मेरे को मलखम्ब करना ही है, करना ही. कैमरामैन प्रतीक गुप्ता सह सीमा दत्ते, जय महाराष्ट्र, मुंबई.